पुलिस को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासन द्वारा हाईटेक किया गया है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों को कमिश्नरेट बनाया गया है। करेंट सूचना है लगभग 10-12 दिन पहले का। कमिश्नरेट का तात्पर्य होता है कि पुलिस को हाई फाई सुरक्षा, हाई फाई व्यवस्था, हाईटेक टेक्नोलॉजी से युक्त किया गया है। विशेष तौर से वह जो जिला है वाराणसी, एक गौरव की बात है कि यह विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और इस समय यह जो जिला है, इस जिले के सांसद इस समय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए हम ऑन हाईवे जा रहे थे तो हमारी मुलाकात एक मिलिट्री सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 194वीं वाहिनी राजेंद्र प्रसाद जो भूतपूर्व सूबेदार रह चुके हैं इनसे हो गई। इन्होंने अपनी कुछ बातों को, कुछ ग्राउंड की बातों को, कुछ ऐसी बातों को जो मानवता के खिलाफ है, मिलिट्री प्रशासन के खिलाफ है और वास्तव में देखा जाए तो कानून के खिलाफ है। इनका कहना है, इनकी कुछ बातें हैं, उस बातों को हम उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन और अपने हिंदुस्तान दुनिया के दर्शकों और लोगों को दिखाने जा रहे हैं और सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो बेटा इन्हीं तक कवर करिएगा। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। सबसे पहले मिलिट्री में आपने काम किया, मिलिट्री का अनुभव कैसा रहा सर आपको? बहुत अच्छा रहा सर। कहाँ पर आप नियुक्त रहे? राजस्थान, कश्मीर। थोड़ा तेज बोलिए ना। कश्मीर, राजस्थान और तकरीबन ऑल इंडिया में ही घूम लिए हम। सर आप रिटायर हो चुके हैं? जी रिटायर 9 साल हो गया हमारे। सर आपके हाथ में प्रार्थना पत्र है, भी आपकी मुलाकात हमारी ऑन हाईवे हुई, कुछ मैटर है, कुछ मामला है, कुछ आपके साथ अन्याय हुआ है, कुछ आपके साथ घटना घटी है, क्या घटना घटी है सर, इसको आप हमारे देश दुनिया के लोगों और दर्शकों को बताइए। हमारा सर मोबाइल गुम हो गया था और वो मोबाइल गुम होने के बाद हमने सिम जाकर के, ये जो कंपनी है जी उसमें जाकर, जियो कंपनी, तो उसमें जाकर के मैं दोबारा उसी नंबर को लेने के लिए गया तो वो हमारे को दो बार उसने गया तो वो हमारे को दो बार उसने जो है हाथ का अंगूठा लगवाया और लगवाने के बाद हमको एक सिम दे दिया। हमको एक सिम देने क्या, के क्या नाम था उसका? रतनेश कुमार। इसको पढ़ लीजिए, आप पढ़ के बताइए क्या नाम है इसका, क्योंकि जो प्रार्थना पत्र में है वह नाम कंफर्म होना चाहिए, वह नाम स्पष्ट होना चाहिए, उसका पता स्पष्ट होना चाहिए और यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो भी बातें आप कहें वो राइट हो, वो प्रार्थना पत्र के अंतर्गत हो तो कोई बात नहीं। आप जो है आप इसको थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, पर आप पूरा जो है पढ़िए एक बार इसको। श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय और आई, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सना पुनन राम बेड़ा ठटरा वाराणसी मिर्जा मुराद का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। सीमा सुरक्षा बल में रिटायर फौजी हूँ। मेरा मोबाइल 17/5/2022 में खो गया था। मैंने सिम बंद करवा दिया था। उसके बाद 25/5/2022 को जब मैं बाबूसराय औराई थाना जनपद भदोही जियो स्टोर में गया तो वहाँ से दूसरा सिम हमारे को दिया गया। जो पुराना नंबर था वही नंबर दे दिया गया। दूसरे सिम की जानकारी मुझे नहीं थी। जिस व्यक्ति ने सिम को एक्टिव किया उसका नाम रत्रेश कुमार शैलेश सनाफ शैलेश श्रीवास्तव, जिसका मोबाइल नंबर 9971055879 जो कि रामापुर लाला नगर गोपीगंज थाने के अंतर्गत आता है, उसने सिम किसी व्यक्ति को बेच दिया।
आज मुझे कछवा रोड पुलिस चौकी पर बुलाया गया, वहाँ से। चले कोई बात नहीं, मैं मैटर को समझ गया। ये थाना भदोही का प्रकरण है, ये जो घटना घटी है आपके साथ, जो सीम आपने दिया था एक्टिवेट करने के लिए, ये थाना औरांगी के अंतर्गत है, जो कि एक रत्नेश जी हैं, रत्नेश जी ने इस सीम को चेंज किया था। अब जो घटना अभी बाद में घटी है वो मिर्जामरा थाना अंतर्गत कछवा चौकी का है। तो आपका जो प्रकरण है वह प्रकरण भदोही थाने का है, भदोही एसपी का है, भदोही में औरांगी थाने का है। अब यह जो वर्तमान में घटना घटी है, तो मैं एक चीज़ आपसे यह पूछना चाहूँगा कि इस यह प्रार्थना पत्र एक कब का है, किस डेट का आपने औरांगी थाने में आपने डाला था? 23 तारीख को गए थे, एक्सेप्ट नहीं किए। 23 तारीख को हम गए थे वहाँ पर, एक्सेप्ट नहीं किए। कोई बात नहीं है, आप 23 तारीख को गए थे, मतलब 23 नवंबर को आप गए थे, मतलब पुलिस की सूचना के बाद आप जाकर के अपना प्रार्थना पत्र औरांगी थाने में आपने डाला है। तो यह जो प्रकरण है, यह प्रकरण औरांगी थाना अंतर्गत भदोही प्रशासन का है। इस मैटर पर भदोही का प्रशासन यदि आख्या देगा तो वाराणसी कमिश्नरेट, वाराणसी पुलिस के जितने तमाम अधिकारी हैं इसमें आपका सहयोग करेंगे। उसके बाद प्रशासन से उम्मीद की जाएगी, क्योंकि आप मलेट्टी से हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? भदोही के एसपी, भदोही के डीएम, और आप रहने वाले बनारस के हैं, आप बनारस के कमिश्नरेट, डीआईजी लाइन ऑर्डर, आप बनारस के डीएम, और इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, और इस देश के प्रधानमंत्री, जिले के सांसद मोदी जी से एक मलेट्टी, रिटायर्ड मलेट्टी के तौर पर इस प्रकरण पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही है सर कि हमारा फैसला जल्द से जल्द कर दिया जाए, और तो हम क्या बोल सकते हैं। धन्यवाद। राजेंद्र प्रसाद जी बिहड़ा मिर्जामुराद थाना के रहने वाले हैं। इन्होंने विगत कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले अपने सिम को एक्टिवेट कराने के लिए औरांगी थाना अंतर्गत किसी सिम केंद्र पर गए, स्टोर पर गए, वहाँ पर इनके साथ जालसाजी हो गई। जैसा कि राजेंद्र प्रसाद जी को दिखाइएगा, जैसा कि राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है, इनका कहना है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैं मलेट्टी का रिटायर हूँ, मैं भारत देश में मलेट्टी में कई वर्षों तक सेवा किया हूँ, और यह आवाज़ यदि औरांगी थाना अध्यक्ष, भदोही के एसपी, भदोही के डीएम, और वाराणसी कमिश्नरेट, वाराणसी के संबंधित थाना अध्यक्ष मिर्जा मुराद, इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह जी, और संबंधित अधिकारी, और वाराणसी कमिश्नर डीआईजी लाइन ऑर्डर, और वाराणसी के डीएम, और इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, और इस जिले के ठाकर के जो तथ्य है, जो सत्य है, उस जांच के आधार पर इनका सहयोग किया जाए, एक मलेट्टी का सहयोग किया जाए, एक राष्ट्र का हित किया जाए, एक राष्ट्र के सुरक्षा करने वालों का हित किया जाए। धन्यवाद। हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजित कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू।